हेलो दोस्तों, ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी क्योंकि आपके घर में बहुत जल्द एक बेबी आने वाला है। दोस्तों, ये जो प्रेगनेंसी की जर्नी होती है ये बहुत ही स्पेशल जर्नी होती है, लेकिन इसमें हमें कई चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। और खाना जो होता है इस प्रेगनेंसी के फेज़ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी वो सब फूड आइटम्स जो आपको आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी में अवॉइड करने हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आगे शेयर करिए और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए अब बात करते हैं वो सारे फूड आइटम्स के बारे में जो कि आपको अवॉइड करने हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो सबसे पहला फूड आइटम है पपाया, यानी कि पपीता। पपीता आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाना है, स्पेशली कच्चा पपीता, क्योंकि कच्चे पपीते में या जो पपीता अच्छे से पका नहीं होता है, आधा पका हुआ होता है, उसमें लेटेक्स होता है जिसकी वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा हो सकती हैं और मिसकैरेज हो सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको पपीता नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि जो पपीता बिल्कुल अच्छे से पका हुआ है वो आप खा सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन मुझे जो है डॉक्टर ने मना करा था इसलिए मैंने नहीं खाया था। और मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप बिल्कुल आखिरी महीने में जो है बिल्कुल पका हुआ पपीता वो खा सकते हैं। तो इसके बारे में आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करिए कि आप पका हुआ पपीता खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, तो डॉक्टर की कंसल्टेशन यहाँ पे ज़रूर लें। और जो ये कच्चा पपीता है ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। इसके बाद अगला फूड आइटम जो आपको अवॉइड करना है वो है मेथी दाना। मेथी दाना डिलीवरी के बाद तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इसको आपको नहीं ज़्यादा खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेथी दाना आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, जैसे मेथी दाना के लड्डू हो गए या स्प्राउटेड मेथी दाना की सब्ज़ी बनती है या किसी भी फॉर्म में जहाँ पे मेथी दाना जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप ले रहे हैं वो आपको अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। अगला फूड आइटम है अजीनोमोटो। ये जो होता है ये चाइनीज़ फूड में ज़्यादा डलता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको ये बिल्कुल भी नहीं खाना है क्योंकि ये बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दोस्तों, अजीनोमोटो तो वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो प्रेगनेंसी में आप स्पेशल ध्यान दीजिए कि आप ऐसा कोई भी फूड आइटम ना खाएं जिसमें अजीनोमोटो यूज़ हुआ है। इसके बाद आपको कच्चे अंडे नहीं खाने हैं या आधा पका हुआ अंडा, जैसे हाफ फ्राई एग वगैरह बना लेते हैं, तो ऐसा चीज़ आपको नहीं खानी है। अंडा आप खा सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि अंडा अच्छे से पका हो, क्योंकि कच्चे अंडे से सैल्मोनेला वायरस का रिस्क होता है। अब इसमें आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि कच्चे अंडे कई चीज़ों में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे मेयोनीज हो गई, कुछ तरीके के डेजर्ट्स हो गए या मूज हो गई, इन सब चीज़ों में भी कच्चे अंडे का यूज़ होता है। तो आप ये सब चीज़ें देखकर खाएं कि इसमें रॉ एग्स का यूज़ ना हो। इसके अलावा कई तरह की फिशेस ऐसी होती हैं जिनमें मर्करी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है और वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और कोई भी ऐसे डिश जिसमें मीट जो है अच्छी तरीके से ना पकाया जाए वो भी आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के भी चांसेस हो सकते हैं, जैसे सुशी हो गई, तो ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। इसके अलावा आपको पाइनएप्पल खाना भी अवॉइड करना चाहिए। पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन नाम का एक एंजाइम होता है जिससे जो सर्विक्स होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और लेबर को ये जो है इंड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ऐसे में अनवांटेड कॉन्ट्रैक्शंस आ सकती हैं और मिसकैरेज के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ सकते हैं, इसीलिए आप पाइनएप्पल का यूज़ भी बिल्कुल अवॉइड करें। स्पेशली आपके शुरुआती मंथ्स में आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा आपको कच्चा स्प्राउट बिल्कुल अवॉइड करना है। आप स्प्राउट्स को अच्छे से पका के खाएं। कई बार क्या होता है, हम स्प्राउट कर लेते हैं और सैलेड में ऐसे ही खा लेते हैं बिना उसे पकाए हुए, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं जो कि आपके और आपके बेबी की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये ध्यान देना है आप जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं वो अच्छे से वॉश करके खाएं, ताकि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन का चांसेस जो है वो ना रहे। इसके बाद दोस्तों, आपको अनपैस्चराइज्ड मिल्क नहीं लेना है, यानी कि आपको कच्चा दूध नहीं लेना है। दूध को आपको लेना है तो अच्छे से उबाल के लेना है, ताकि जो भी उसके जर्म्स हैं वो अच्छे से किल हो जाएं और आप उसको सेफली पी सकें। तो कच्चा दूध बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। उसके बाद दोस्तों, तुलसी के पत्ते भी आपको ज़्यादा खाना अवॉइड करना चाहिए। कभी कभार एक आध पत्ता आपने ले लिया या एक आध पत्ते को थोड़ा सा उबाल के उसकी थोड़ी टी ले ली, वो ठीक है, बट बहुत ज़्यादा इसका आपको यूज़ नहीं करना है,
बहुत ज़्यादा तुलसी के पत्ते खाना आपको अवॉइड करना है। इसके बाद दोस्तों आपको एलोवेरा या एलोवेरा का जूस भी अवॉइड करना है। ये प्रेगनेंसी में लेना एडवाइजेबल नहीं होता है क्योंकि इससे भी प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। इसके अलावा आपको वॉमिटिंग और डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको चाय और कॉफ़ी भी अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप ये बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको अवॉइड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्रेगनेंसी में अप टू 200 mg तक ये जो कैफीन है ये आप ले सकते हैं, यानी कि 1 से 2 छोटे कप्स आप ले सकते हैं। लेकिन इसकी क्वांटिटी के बारे में आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर बात करें। डॉक्टर आपको अच्छे से समझा पाएंगे कि आप रोज़ाना कितना ले सकते हैं, क्योंकि हर किसी की कंडीशन अलग होती है। हो सकता है आपकी कंडीशन के बेसिस पर डॉक्टर आपको बिल्कुल मना कर दें, तो ये चीज़ आप डॉक्टर से चेक करके फिर इसको आप लीजिए। इसके बाद दोस्तों अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। ये तो स्पेशली अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तब से ही आपको अवॉइड करना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर आपको नहीं पता चला है, आपको प्रेगनेंसी का पता चल रहा है, तो उस टाइम आपको ये बिल्कुल रोक देना है। और आपको इनडायरेक्टली भी स्मोक नहीं लेना है किसी भी तरीके से। अब इनडायरेक्टली मतलब कि साथ में कोई आपके खड़ा है और स्मोक कर रहा है और आपके ऊपर धुआं आ रहा है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है कि ऐसा भी ना हो। इसके अलावा दोस्तों आपको स्ट्रीट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और बाहर से जूसेस भी आप अवॉइड करें। जैसे कई बार क्या होता है, आप मार्केट गए, आपको लग रहा है कि चलो जूस पी लेती हूँ, जूस तो हेल्दी है, लेकिन वो बाहर से जूस आप पी रहे हो, वहाँ पे कितनी सफाई है, किस तरीके से जूस बनाया जा रहा है, ये आपको नहीं पता है, तो ऐसे में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस जो होते हैं वो रहते हैं। इसलिए आप ये स्ट्रीट फूड वगैरह अवॉइड करें ताकि इन्फेक्शन आपको किसी भी तरीके का ना हो। तो ये चीज़ें जंक फूड वगैरह जितना कम हो उतना अच्छा है, वैसे तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों किसी भी तरीके की मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं प्रेगनेंसी में तो वो डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही लेनी है। कोई भी अननेसेसरी मेडिकेशंस आपको नहीं लेनी चाहिए। जैसे आपको लग रहा है सर दर्द हो रहा है तो चलो एक गोली ले लेते हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना है। आप जो भी मेडिसिन लोगे वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि कौन सी मेडिसिन सेफ है प्रेगनेंसी में लेना ये आपको डॉक्टर अच्छे से बता पाएंगे, तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो ये थे 14 फूड आइटम्स जो कि आपको अवॉइड करने हैं प्रेगनेंसी के दौरान। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी एकदम हेल्दी और एकदम अच्छी गुजरे। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।